अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आप लोग कैसे हैं? जी मैं आज आप लोग को भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी बताती हूँ। मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, 10-12 कलियाँ ली थी लहसुन की, और ज़रा सा अदरक लिया है, और धनिया और हरी मिर्च इसमें चॉप कर। जी धनिया मैंने हरा धनिया लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और ज़रा सी लाल पिसी मिर्च डाली। शिमला मिर्च को काट के उसको रख दिया है, अब इसको स्टफ़ कर। तो जी प्याज में हम पचफोरन मसाला और ये मिला रहे हैं। ये अमचूर पाउडर लिया है जो मैंने, इसकी पंचफोरण मसाले के ही इतने क्वांटिटी है। पंचफोरण मसाला वो होता है जिसमें थोड़ी सी मेथी होती है, ज़ीरा होता है ज़रा सी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मिर्चा होता है, सूखा धनिया होता है, इसको रोस्ट करके पी। तो जी इसमें मसाला स्टफ़ करने से पहले मैंने ज़रा सा हाथ पे ऑयल ले लिया है, क्योंकि मैं इसको ऐसे करके इसकी कैप पे लगाऊंगी बाहर के साइड में, फिर इसकी कैप पे भी लगाऊंगी स्टफ़ करने से पहले, फिर इसमें हम ऐसे स्टफिंग करें। तो जी मैंने कैप लगाकर इसको स्टफ़ करके रख दिया है। अब मैं इसे कढ़ाई हल्का सा ऑयल डाल देंगे पहले सब तरफ, थोड़ा सा और डाल देंगे ऑयल, फिर इसमें रख। जी ये स्टफ़ की हुई मैंने शिमला मिर्च मैंने इसमें रख दी। अब हम इसको ढक देंगे मीडियम आंच पे, पलटेंगे इसको। तो जी इसको पलटने के बाद इसकी शक्ल ऐसी आई है, और इसी तरीके से हमें पूरा करना है धीरे धीरे। तो जी और धीमी आंच पे एकदम करके हम इसे फिर से शिमला मिर्च को रख देते हैं ढक कर। अब चेक करेंगे 10 मिनट बाद। तो जी मैंने इसको पलट लिया है और ये देखिए कितनी अच्छे से हुई है। तो जी मैंने ढक के 10 मिनट के लिए और रख। तो जी मेरी फाइनली रेसिपी तैयार हो गई है, और आप लोग और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब।